प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत के टी एजुकेशनल अपडेट चैनल में और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट परीक्षा को लेकर आप सभी को टाइम पर मिलती रहे और रियल फैक्ट के साथ तो सबसे बड़ी खबर स्टूडेंट चौंकाने वाली खबर है एम बोर्ड की तरफ से क्योंकि मैं पिछले साल से काफी एम बोर्ड का फैन हो गया हूँ इतने सालों में एम बोर्ड की कभी बराबर अपडेट नहीं आई है जो पिछले साल से आ रही है और इस बार तो और पहले ही एम बोर्ड अपना ब्लूप्रिंट भी यहां पर जारी कर दिया है साथ ही डिलीट सिलेबस भी यहाँ पर जारी कर दिया उसकी घोषणा भी कर दी तो कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे इस चैनल पर आने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड भी और डिलीट पोर्सन क्या, क्या क्या किया एम बोर्ड ने वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आता रहूँगा अभी जो जो, जो डिलीट पोर्सन है कक्षा दसवीं और बारहवीं के हर सब्जेक्ट का आपको इस वीडियो पर यहाँ पर इस चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी तो डिलीट पोर्सन कर दिया थर्टी परसेंट जो है

जो आपका सिलेबस है एम की बुक आपको चल रही है कक्षा दसवीं और बारहवीं में तो तीस प्रतिशत की जो है वो कटौती कर ली है इस साल भी एम बोर्ड की तरफ से तो और काफ़ी ब्लू भी यहाँ चेंज हो गया इस पर मैंने वीडियो बना लिया है कि कक्षा दसवीं में पिचहत्तर अंक के पेपर आएंगे पच्चीस नंबर जो आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया रहेगा काफ़ी अच्छे परसेंटेज बनना है वहीं हायर सेकेंडरी में अस्सी नंबर के पेपर आना और बीस नंबर सिद्धांतिक के बीस नंबर प्राइ जो प्रोजेक्ट है उस पर दिए गए हैं सैद्धांतिक थ्योरी के अस्सी नंबर पर प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं वो सत्तर नंबर के वहाँ पर पेपर होंगे और तीस नंबर प्रायोगिक के दिए रहेंगे तो अब डिलीट पोर्शन कितना किया है एम पी बोर्ड की तरफ से वो हम यहाँ देख लेते हैं सबसे धमाकेदार खबर है क्योंकि टाइम पर अपडेट एम पी बोर्ड अपनी तरफ से दे रहा है बराबर और पिछले साल भी कोई चेंजेस नहीं किए थे तो यहाँ इस बार पहले ही यहाँ आप इस लाइन पर देख सकते हैं हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी हेतु सी द्वारा सत्र 2022 23 से निर्धारित पाठ्यक्रम से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अलग से डिलीट पोर्शन इस बार एम पी बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है जो सी की तरफ से सी बोर्ड की तरफ से जो डिलीट पोर्शन निर्धारित किया गया है जो सिलेबस तैयार किया गया है दो हज़ार के लिए वही पाठ्यक्रम से ही आपका प्रश्न पत्र तैयार होगा और प्रश्न पत्र जो है वो एमपी बोर्ड का अपनी तरफ से अपने ब्लू के अकॉर्डिंग तैयार होगा परंतु डिलीट पोर्सन का यहां पर एमपी बोर्ड की तरफ से क्लियर कर दिया गया है तो जो वस्तुनिष्ठ चालीस प्रतिशत आएंगे पिछली बार की तरह ही तो कक्षा दसवीं और बारहवीं में और बाकी जो सारा पैटर्न है वो उसी तरह रहेगा तो एक बड़ी खबर है कि अलग से एमपी बोर्ड ने अब डिलीट पोर्शन अपने तरफ से कोई निर्धारित नहीं किया है जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से निर्धारित पाठ्यक्रम है दो हजार बाईस तेईस का वही आपका डिलीट सिलेबस रहेगा वही जो पाठ्यक्रम है वही जो कम किया गया वही रहेगा ये कम वाला पाठ्यक्रम क्या है तो कक्षा दसवीं के सभी विषय का और कक्षा बारहवीं के भी सभी विषय का डिलीट पाठ्यक्रम मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा दो तीन दिन आप लोग बस इंतजार कीजिए चैनल से जुड़े रहिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि सभी अपडेट आपको बराबर मिलती रहे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनके भी वीडियो आते रहेंगे चैनल पर चैनल से जुड़े रहिए पुनः निवेदन करूंगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि सभी इंपॉर्टेंट खबर आपको टाइम पर मिलती रहे थैंक यू थैंक यू सो मच